मत कीजिए ये काम, मत कीजिए, यही करेंगे, यही करेंगे। पुलिस तो पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है, आपको नहीं होती उनपे उंगली उठाने वाली। बट द क्वेश्चन इज कि क्यों रेपिस्ट के मन में ये डर नहीं है? Exactly. क्यों इतना टाइम लग जाता है हमारे को जस्टिस मिल जाने में? जिस देश में एक रात में नोटबंदी हो सकती है, उस देश में एक रात में जस्टिस क्यों नहीं मिलता? फिर तो वो कोई बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती होता चाहिए। दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिबेट वॉर यूट्यूब चैनल। डिबेट वीडियो में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्याकांड का मामला हो, या बदलापुर में दो लड़कियों के साथ दुराचार का मामला हो, महिला सुरक्षा पर फिर एक बार सवाल उठने लगे हैं, तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखो दोस्तों की जो आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। राधिका खेड़ा पर ये बोलने लगती है कि अगर कांग्रेस में आपसे छेड़छाड़ कर रहे थे तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, आप तो बीजेपी में आ गई है। उसके बाद दोस्तों अंजना ओम कश्यप इनको धोने लगती है डिबेट में। तो क्या होता है आगे डिबेट में मिलकर देखते हैं। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो के आखिरी तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये कि तेजस्वी यादव के मुंह में क्यों दही जम गई है? मैं बहुत आक्रोशित होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये वो नेता है ना जो कहते हैं हम लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे। लोकतंत्र में क्या महिलाएं नहीं आती हैं? महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहा है, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर देश विदेश में डॉक्टर सड़कों पर है, और किसी को ममता बनर्जी का नाम तक लेने में दिक्कत हो रही है, कोलकाता रेप पर बोलने में दिक्कत हो रही है, इसकी वजह समझा दीजिए, हम आपके लिए ताली बजा देंगे। देखिए, मुझे लगा कि मीडिया को सारी खबर पता रहती है, कुछ पता नहीं रहती है तो सूत्रों के हवाले से आ जाती है। लालू जी खुद प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और बोले कि वहां लड़की को जो हुआ डॉक्टरों को वहां जस्टिस मिलना चाहिए, प्रदर्शन होगा, डॉक्टर करेंगे, उनका हक बनता है, ये लालू जी ने खुद बोला है। अब इससे बड़ा क्या आप सुनना चाहती हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी का मेरा प्रश्न नहीं सुना। बीमारी को भी हो गई है, चिल्लाइए मत, मैं भी आराम से बोलती हूं, भी आराम से आराम से बोल रही हूं। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छी बात है, हमने तेजस्वी यादव की पूछी, तेजस्वी यादव ही नेता है ना भाई, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो वही है ना, वही ना मुख्यमंत्री बनते हैं लालू जी, उन पर भी तो एक जवाब दे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि डॉक्टर को पीड़िता को जस्टिस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स आपको करनी है तो राबड़ी जी क्यों नहीं बोले, मिसा जी तो लालू जी क्यों नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। राधिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं इंटरप्ट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी लाल किले से, उन्होंने बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है, दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल, उनको जितना जेल में नहीं हो आप उतना बाहर रख रहे हो। दिखाना चाहिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़कियां गवाही देने वाली थी उनकी सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया, यह भी दिखाना चाहिए, यही सब दिखाना चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे, या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने सही कहा तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूँ। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे आपको बदलापुर नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोलकाता से चाहती है वहां के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें तो देना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, देना चाहिए राजस्थान में 4 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मध्य प्रदेश में, हर जगह, और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि मणिपुर जैसा स्टेट वो संभाल नहीं पाए और दो बहनों को वहां पर नंगा परेड कराया गया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं करनी पर इसको इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं और एक 3 साल की बच्ची का उस स्कूल के बस ड्राइवर ने रेप कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि शमशाबाद में एक माइनर लड़की का रेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वहां पे एक स्कूल में लड़की के साथ टीचर रेप कर देता है। हिमाचल में लगातार 2023 में पिछले साल 6-3 महीने में लगातार 6 रेप हुए, गुड़िया केस हुआ, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती पर आपने गिनवाया, जैसा मैंने कहा मैं अनगिनत गिनवा सकती हूं इनकी सरकारों में हर जगह, लेकिन ये भी
ही बताने की जरूरत है देश को कि जो बदलापुर में हुआ, जो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ की बात हो रही है, और यह भी हो रहा है कि वहां पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया, वहां पे किसी को बचाया नहीं जा रहा। और असम, आज असम का भी एक और केस सामने आया, जहां पे एक लड़की को जब वो ट्यूशन से वापस आ रही थी उसका बलात्कार किया गया, लोगों को वो कहीं पे मिली सड़क पे और पुलिस के पास लेकर गए। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, डीजीपी को वहां भेजा गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट, और कहा गया कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड। हम ये वादा करते हैं देश की जनता को कि ये हमारी जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऊपर, नो वन विल बी स्पेयर्ड। कभी एक सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आपने तेजस्वी जी को घेरा, नहीं बोले, नहीं बोले, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह मोदी जी कितनी जगह बोले। आई नीड आंसर। मैं बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जितने भी हैं, कितने लोग बोले, जवाब दीजिए। अयोध्या में होता है तो क्योंकि वो अखिलेश यादव की पार्टी से आते हैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी तो सुनिए तो आप नहीं बोलेंगे। उन कनौज में होता है आप नहीं बोलेंगे, जहां जहां आप लोगों को वो होता है ना कि आपकी सरकार मिल रही है, योगी जी क्यों नहीं बोलते हैं, योगी जी एक्शन लेते हैं ना, योगी जी एक्शन लेते हैं, बुलडोजर चल गया कनौज पे भी, चपके वहां पे बुलडोजर चला और अयोध्या पे भी चला, जवाब देते हैं, काम करते हैं। ये नहीं कि ट्वीट करके कहते कि न्याय होना चाहिए और डर जाते हैं बनर्जी का नाम लेते हैं, डर जाते हैं हाथरस में, तो आधी रात में बेटी को केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया माँ बाप को बाहर रखकर, वो किसके राज में हो रहा था, तब योगी जी क्यों नहीं बोले। उसके बाद एक्शन लिया गया, एक्शन लिया गया ना अंजना जी, हुआ, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं कमी हुई, वो हुआ, लेकिन उसके बाद एक्शन लिया गया। हम अपने एक्शन से और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को, तो क्या इस्तीफा से महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? हमें तो मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने की बजाय सबको एक साथ बैठकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप भी नर्सिंग करेंगे कंप्लीटली, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठकर, सरकारों को बैठकर इस पर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, माइंडसेट की तरफ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। राजनीति करने से, इस्तीफा दे देने से नहीं होगा, विमेन्स के साथ जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, नहीं सॉल्व होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है और सारी सरकारों को बैठकर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर बैठकर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में किसी को इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी को वोट किस बात पर मिलना चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कि क्यों रेपिस्ट के मन में ये डर नहीं है, क्यों इतना टाइम लग जाता है हमारे को जस्टिस मिल जाने में, जिस देश में एक रात में नोटबंदी हो सकती है उस देश में एक रात में जस्टिस क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है? एक क्या बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। उन्नाव के तो विधायक को बचाया जा रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोले तो आप उसके बेटे को टिकट। ब्रिजभूषण शरण सिंह की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी, ब्रिजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी। और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसिंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए, फिर तो वो वही बात होगी। बीच में मत बोलिए, आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले, जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं। आपको याद है ना मुलायम सिंह का मतलब क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने। आपको याद है अबू आजमी ने क्या कहा था? सुनने वाली बात है, जिनको नहीं पता, समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप क्या कह रही हैं? पहले भी मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई, मतलब जस्टिस ये है सच्चाई इस देश की।
अपोजिशन की धन्यवाद। चाहती हूँ कि जब तक हम लोग इन चीजों में पड़े रहेंगे सर तो कुछ भी नहीं होगा। अनबेस से बेस यू आर बेस्ट नंबर यही प्रॉब्लम है। कितनी औसम है यार। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस डिबेट के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट वीडियो में।